तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एमयू एडमिशन के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कल जो है फॉर्म्स आ चुके हैं एमयू के 2021-22 का जो आपका सेशन होगा। मैंने उसमें वीडियो कर दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं ऊपर उसका लिंक आपको जो आई बटन है वहाँ से दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों मैं अब आपको यहाँ से वीडियो के अंदर एमयू के जितने कोर्सेज हैं उनकी तमाम की अहम डिटेल्स दूंगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं एमयू के अंदर, आपको तमाम कोर्सेज की मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियोस में सारी अहम डिटेल्स आपको दे दूं, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जब भी आप, और आपको बेल आइकॉन को भी दबाना पड़ेगा जब भी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा और आपको कोई भी अहम पॉइंट मिस नहीं होगा। दोस्तों आज के जिस कोर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है एमयू बी ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो फॉरेन लैंग्वेज 3 साल का दोस्तों कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है एमयू के अंदर। काफ़ी अच्छे यहाँ से जो लोगों ने किया है उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा उनका हो गया है। तो अगर आप इस कोर्स में चाह रहे हैं एडमिशन तो इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी आपको अगले 3 से 4 मिनट के अंदर। दोस्तों 3 साल का बैचलर होता है, 3 साल का दोस्तों कोर्स है, 6 सेमेस्टर यहाँ पर दोस्तों होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम से पढ़ाई होती है। तो 6 सेमेस्टर दोस्तों हैं एमयू में। दोस्तों आपको बीए में 5 फॉरेन लैंग्वेज मिलती हैं जिनमें एमयू आपको बीए की डिग्री देगा। तो कौन कौन से लैंग्वेज हैं? चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है और स्पैनिश है। ये 5 लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिलती हैं। सीट सब में हर किसी लैंग्वेज में 20 सीट है, टोटल सीट्स हो गई 100। दोस्तों बात करते हैं इसका जो टेस्ट होगा, तो टेस्ट जो है कंबाइंड होता है इसका, 5 लैंग्वेज का आपको टेस्ट अलग अलग नहीं देना है, एक ही टेस्ट होगा। जहां से आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको चॉइस बनना पड़ता है कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब आपका टेस्ट होगा तो जिस टेस्ट में आपकी जो मार्क्स हैं वो जहां मेरिट में आप आ रहे होंगे आपको वाली लैंग्वेज मिल जाएगी। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 12th क्लास किया हुआ है विथ 50% मार्क्स तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने 12th के बाद ब्रिज कोर्स किया हुआ है एमयू से विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, जब भी आप इस कोर्स के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। उससे एक और पॉइंट है इसमें एज वाला, क्योंकि एमयू में साइबर कोर्स में सभी में जो है एज एक पॉइंट है। तो एज दोस्तों इसकी मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए, 1 जुलाई 2021 है। अब क्योंकि टेस्ट तो दोस्तों अब आगे बढ़ गया, अभी तक टेस्ट का डेट तो अभी आई नहीं है, तो फिर भी कह रहे हैं जिस साल में आपका एडमिशन होगा उस साल में 1 जुलाई को आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर बैचलर कोर्स, तो इसके यहाँ भी ये 24 साल है। दोस्तों इसका जो टेस्ट होगा उसकी डिटेल आप देख लें क्या क्या उसकी यहाँ डिटेल्स हैं। पेपर होगा दोस्तों 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में 60 मार्क्स की आपकी आएगी इंग्लिश, जहाँ पर ग्रामर कॉम्प्रहेंशन सब मिलेगा आपको। 20 मार्क्स की दोस्तों आपकी जीके आएगी और करंट अफेयर आएगा। 10 मार्क्स का दोस्तों इंडो इस्लामिक कल्चर आएगा और अलीगढ़ मूवमेंट आएगा, और 10 मार्क्स का दोस्तों आएगा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। तो ये दोस्तों पेपर हुआ, इसी की वजह से फिर आपकी मेरिट बनेगी। एक पॉइंट और है, यहाँ पर आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी मिलती है, मतलब 4 अगर आपने गलत कर दिया सवाल तो आपका 1 सही नंबर भी चला जाएगा। तो उसका टेस्ट सेंटर आपको अलीगढ़ से बाहर नहीं मिलेगा, टेस्ट सेंटर इसका सिर्फ अलीगढ़ में ही है, तो आप कहीं भी फॉर्म भरेंगे कहीं से भरें आपको अलीगढ़ ही आना पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर एक और बहुत ही अहम पॉइंट भी है, सब्सिडी सब्जेक्ट के बारे में आप सुन लें। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, आपको उन्हीं में से सब्जेक्ट चूज करना पड़ेंगे। पहला ग्रुप 1 है जहाँ पर दोस्तों आपको 5 जो है आपकी जो मेन लैंग्वेज होगी उसके अलावा 5 और सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से, वैस सेशन स्टडीज है, चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन और स्पेनिश, मतलब एक तो आपकी लैंग्वेज जो आपकी मेन होगी उसके अलावा 5 है, आपको इनमें से 1 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो दूसरा ग्रुप जो है वहां पर आपको आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, और आपकी मतलब इकोनॉमिक्स है, और आपकी इंग्लिश है, तो इनमें से आपको 1 सब्जेक्ट लेना होगा। दोस्तों ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इस कोर्स की फीस जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 550 रुपये आपको पे करना होगी, और फॉर्म की जो लाइन खुलेंगी वो 17/6 से खुलेंगी जैसा कि प्रोस्पेक्टस में दोस्तों आया है। दोस्तों ये तमाम जानकारी मैंने आपको फॉरेन लैंग्वेज के बारे में दे दी है,
आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। मैं बहुत सारी वीडियो यहाँ बनाने वाला हूँ, डेली आपको वीडियो मिलेगी 4-5 इंशाल्लाह, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए कोर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।